something. Now you got me reaching out, and do you see you got me falling in more times than I can get out. हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू टीम का डिलाइट। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टाटा नेक्सॉन के XM जो कि बहुत ही बजट फ्रेंडली मॉडल है। उसका डिटेल वॉक एंड रिव्यू विद ऑन रोड प्राइस, बात करेंगे फीचर्स एंड काफी सारी डिटेल्स के बारे में। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें, टिल दी एंड तक देखें। एंड इस मॉडल का जो ऑन रोड प्राइस है वो भी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। और इस चैनल पर अगर पहली बार आए तो टीम का डिलाइट को दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें। तो दोस्तों ये है XM मॉडल की फ्रंट लुक, और ये मैनुअल एंड ऑटोमेटिक दोनों में ही अवेलेबल है। एंड नेक्सॉन की मैन्युफैक्चरिंग हो ये टाटा के रंजन गांव फैसिलिटी में जो कि पुणे में है। एंड दोस्तों इस गाड़ी की सेल है पर मंथ 2000 से लेकर 3000 यूनिट, एंड इसके सक्सेसफुली 1,00,000 यूनिट अभी तक सेल भी हो चुके हैं। एंड ये बिल्ट अप है X1 प्लेटफॉर्म पे, यहाँ पे हाई स्ट्रेंथ स्टील स्ट्रक्चर यूज करा गया है, साइड इम्पैक्ट बीम भी अवेलेबल है, और इसकी ग्लोबल NCAP रेटिंग है 5 स्टार्स की। एंड कर वेट है 1237 kg से लेके 1305 kg, और यहाँ पे स्टैंडर्ड हेलोजन हेडलैम्प अवेलेबल है विद फॉलो मी होम एंड लीड मी टू द व्हीकल फंक्शन। एंड की से भी हम यहाँ पे लाइट को ऑपरेट कर सकते हैं, और ये है टाटा की ह्यूमैनिटी ग्रिल। फॉग लैंप दोस्तों आपको इस मॉडल में नहीं मिलते, हम बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं। फॉग लैंप बेजल पे ग्रे फिनिश दी गई है, और ये है बम्पर कॉर्नर प्रोटेक्शन, और इसके अलावा भी कई सारी एक्सेसरीज इंस्टॉल करी गई है। सो यहाँ पे 2 ईयर 75,000 किलोमीटर्स की वारंटी ऑफर करी जा रही है, जिसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं अप टू 5 ईयर्स। एंड दोस्तों यहाँ पे बहुत ही स्टाइलिश आपको मिलते हैं 16 इंचेस के स्टील व्हील्स विद व्हील कवर्स, 195/60 प्रोफाइल टायर्स दिए गए हैं विच ऑफर्स एक्सीलेंट ग्रिप। एंड यहाँ पे व्हील आर्चेस पे एंड साइड पे बॉडी क्लैडिंग अवेलेबल है, वेस्टलाइन मोल्डिंग भी ऑफर करी गई है। विंग मिरर्स पे मिलते हैं टर्न इंडिकेटर्स, ORVM एंड डोर हैंडल को हम बाद में पेंट भी करवा सकते हैं, ब्लैक कलर के दिए गए हैं अभी। यहाँ पे ग्रे कलर की फिनिश आपको मिलेगी, बी पिलर आपको बॉडी कलर में ही मिलता है। एंड दोस्तों यहाँ पे रूफ पेंटेन अब भी अवेलेबल है। तो आप सबसे पहले बोनेट को ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों बेसिकली नेक्सॉन के इस XM मॉडल में आपको पेट्रोल एंड डीजल दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल है विद मैनुअल एंड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स। तो यहाँ पे पहला इंजन है 1.2 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो चार्ज रेविट्रॉन पेट्रोल इंजन, एंड ये जनरेट करते हैं 110 PS पावर एंड 170 Nm ऑफ टॉर्क। यहाँ पे 6-speed मैनुअल एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन अवेलेबल है, और इसकी माइलेज है 17.88 kmpl। और दूसरा है 1.5 लीटर 4 सिलेंडर टर्बो चार्ज रेविट्रॉन डीजल इंजन, और ये जनरेट करते हैं 110 PS पावर एंड मैसिव 260 Nm ऑफ टॉर्क, जितने की आपको क्रेटा में मिलती है, यानी सेल्टोस से भी ज़्यादा यहाँ पे आपको पावर मिल जाएगी। साथ में ये भी 6-speed मैनुअल एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में अवेलेबल है, और इसकी माइलेज है बहुत ही बढ़िया 23.97 kmpl की। और अब बोनेट को भी क्लोज कर देते हैं। एंड दोस्तों फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक्स अवेलेबल है, एंड नेक्सॉन अपने सेगमेंट में मोस्ट रगेड एंड मोस्ट टफ व्हीकल है। साथ में यहाँ पे आपको इनबिल्ट स्पॉइलर भी मिलेगा। एंड गाइज नेक्सॉन में यहाँ पे 6 कलर्स ऑफर करे गए हैं, जो है मोरक्कन ब्लू, वेरमोंट रेड, कैलगरी व्हाइट, सीटल सिल्वर, ग्लासगो ग्रे एंड इटना ऑरेंज कलर। और साथ में दोस्तों जो यहाँ पे नेक्सॉन में सस्पेंशन सेटअप मिलता है वो भी काफ़ी बढ़िया तरीके से ट्यून्ड है, खराब से खराब रोड, रफ से रफ रोड को ये बहुत इजीली हैंडल कर लेगा। और नेक्सॉन की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 44 लीटर्स, ग्राउंड क्लियरेंस 209 mm विच इज बेस्ट इन क्लास, एंड टर्निंग रेडियस 5.1 मीटर्स। एंड यहाँ पे रियर बम्पर पे रिफ्लेक्टर्स अवेलेबल हैं, 4 सेंसर्स दिए गए हैं, एंड साथ में यहाँ पे XM मॉडल की बैजिंग। और गाइज ये है टेल लैम्प विद LED लाइन गाइड, और साथ में यहाँ पे कॉन्ट्रास्टिंग आपको एसेंट्स मिलते हैं ग्लॉसी ग्रे एंड पियानो ब्लैक फिनिश के साथ। रियर में वाइपर एंड डिफॉगर अवेलेबल नहीं है, एंड अगर हम इस बटन को लॉन्ग होल्ड करेंगे तो ऑटोमेटिकली टेल गेट ओपन हो जाता है। एंड यहाँ पे कोई बटन अवेलेबल नहीं है टेल गेट पे, तो ग्रैब हैंडल दिया गया और बहुत नाइसली कवर्ड आपको टेल गेट मिलेगा। 350 लीटर्स का बहुत ही वेल शेप बूट भी अवेलेबल है, और यहाँ पे कुछ ग्रॉस ट्यूब दिए गए हैं दो लेफ्ट साइड,
एंड दो यहाँ पे राइट साइड भी 3 kg मैक्सिमम लोड लिमिट। एंड इसको उठाएंगे तो यहाँ पे स्पेयर टायर मिलता है विद टूल किट, फुल साइज का स्पेयर टायर दिया गया 16 inches का इस मॉडल के हिसाब से। एंड दोस्तों यहाँ पे अब सीट्स को भी डाउन कर लेते हैं, फ्लैट फोल्डिंग सीट्स मिलेंगी। और यहाँ पे रियर पार्सल ट्रे आप शोरूम एंड से बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं, जिसका प्राइस है 2000। एंड दोस्तों नेक्सॉन में अगर हम कीज निकाल लेते हैं और अगर इग्निशन भी ऑफ कर देते हैं तो भी हम पावर विंडो यूज कर सकते हैं फॉर 3 minutes। एंड इसी के साथ अगर बात करें XM मॉडल के सेफ्टी फीचर्स के बारे में तो दोस्तों यहाँ पे ऑफर करे गए हैं डुअल फ्रंट एयरबैग, ABS विद EBD, चाइल्ड आईसोफिक्स माउंट, रियर पार्किंग सेंसर्स, इंजन इमोबिलाइजर, फ्रंट सीट बेल्ट विद प्रीटेंशनल एंड लोड लिमिटर, फ्रंट सीट बेल्ट रिमाइंडर, फॉलो मी होम हेडलैम्प, रियर पार्किंग सेंसर्स एंड रिमोट सेंट्रल लॉकिंग। सो गाइज अब चेक करते हैं इंटीरियर्स। एंड इस मॉडल का जो ऑन रोड प्राइस है वो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। सो गाइज यहाँ पे 2 keys अवेलेबल है, एक आपको स्टैंडर्ड की मिलेगी, एक आपको रिमोट की मिलती है विद 3 switches, फोल्ड की दी गई है। एंड गाइज यहाँ पे की होल भी एल्यूमिनेटेड मिलता है विच इज वेरी बेनिफिशियल इन नाइट। एंड गाइज ये ट्रिपल टोन कलर थीम के साथ फ्रंट डैशबोर्ड के लुक जो कि काफी अप मार्केट लुक दे रहा है। एंड लेआउट बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे करा गया है, साथ में यहाँ पे क्रोम फिनिश, पियानो ब्लैक फिनिश एंड सिल्वर एसेंट्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे कारपेटिंग ब्लैक कलर की दी गई है, रूफ आपको लाइट ग्रे कलर की मिलेगी। एंड फैब्रिक सीट अपॉल्स्ट्री भी अवेलेबल है, फ्रंट सीट्स की हेडरेस्ट भी एडजस्टेबल मिलेंगी। हाइट एडजस्टमेंट ड्राइवर साइड सीट की इस मॉडल में अवेलेबल नहीं है। और ये फ्यूल लिड, साथ में यहाँ पे क्लच फुटरेस्ट भी अवेलेबल है। एंड यहाँ पे कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल स्टोरेज एरिया। एंड दोस्तों ये है डुअल टोन फ्रंट डोर की लुक, सो यहाँ पे आपको सेफ्टी के लिए रिफ्लेक्टर्स मिलते हैं ऑन द डोर्स, साथ में स्पीकर्स अवेलेबल हैं और यहाँ पे ट्विटर्स की स्पेस, साथ में यहाँ पे अम्ब्रेला होल्डर। एंड गाइज यहाँ पे बॉटल होल्डर एंड मैप पॉकेट, पियानो ब्लैक फिनिश यहाँ पे भी देखने को मिलेगी। ऑल फोर पावर विंडोज अवेलेबल है, ड्राइवर साइड पावर विंडो स्विच आपको एल्यूमिनेटेड मिलता है, इनसाइड डोर हैंडल ब्लैक कलर का दिया गया है। एंड ORVM आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलते हैं, फोल्डेबल नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे इसको भी क्लोज कर देते हैं। सो ये है XM मॉडल के स्टीयरिंग व्हील की लुक, पियानो ब्लैक फिनिश मिलती है एंड एडजस्टेबल दिया गया है यहाँ पे स्टीयरिंग। तो वी हैव गॉट टिल्ट एडजस्टमेंट एंड लेफ्ट साइड ऑडियो कंट्रोल्स एंड ब्लूटूथ कंट्रोल्स अवेलेबल हैं। एंड यहाँ पे राइट साइड दिए गए हैं वॉइस कमांड कंट्रोल्स और ये है वाइपर के कंट्रोल्स। एंड दोस्तों ये है हेडलैम्प कंट्रोल्स और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया टच दिया गया है, हेडलैम्प लेवलर भी इधर ही अवेलेबल है विच इज़ वेरी हैंडी। सो ये है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की लुक, सेंटर में MID अवेलेबल है, ये शो करती है डिजिटल क्लॉक, टोटल किलोमीटर्स ड्रिवन, डुअल ट्रिप मीटर, एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, इंस्टेंट फ्यूल कंजम्पशन, डिस्टेंस टू MT, साथ में गियर शिफ्ट इंडिकेटर भी यहाँ पे डिस्प्ले होगा और यहाँ पे रिफ्यूल की वार्निंग भी आपको मिलेगी। और यहाँ पे कुछ स्टोरेज एरिया अवेलेबल है, साथ में बॉटल होल्डर दिए गए हैं, आर्मरेस्ट नहीं मिलती लेकिन वो हम बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं। एंड दोस्तों यहाँ पे इको सिटी एंड स्पोर्ट मोड अवेलेबल है जो कि माइलेज एंड परफॉर्मेंस दोनों को ही ऑल्टर कर देता है। एंड अगर हम कोई डोर ओपन करेंगे तो यहाँ पे MID में हमें डोर ओपन की वार्निंग शो होगी, किसी पर्टिकुलर डोर जो भी ओपन है वो हमें यहाँ पे शो नहीं होता लाइक अपर मॉडल्स। एंड दोस्तों ये है सिल्वर फिनिश गियर नॉब। एंड यहाँ पे रियर पार्किंग सेंसर्स का डिस्प्ले मिल जाता है जो कि काफी बढ़िया दिया गया एंड इट इज वेरी इंफॉर्मेटिव एज वेल। एंड गाइज यहाँ पे एक 12 वोल्ट का पावर आउटलेट अवेलेबल है और इसी के साथ USB एंड ऑक्स पोर्ट। एंड यहाँ पे इलेक्ट्रिक टेलगेट ओपनिंग मिलेगी, साथ में मैनुअल AC भी दिया गया है विद हीटर। सो ये है कनेक्ट नेक्स्ट इंफोटेनमेंट सिस्टम बाय हर्मन, यहाँ पे 4 speakers अवेलेबल हैं। एंड गाइज यहाँ पे आप सेटअप देख सकते हैं, व्हीकल का सेटअप मिलता है, सेंसर्स को आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। इसी के साथ ये है ऑडियो सेटअप। वॉल्यूम सेटअप जिसमें स्पीड डिपेंडेंट वॉल्यूम कंट्रोल और ये है जनरल सेटअप फॉर टाइम एंड डेट। एंड सॉफ्टवेयर डिटेल आप देख सकते हैं, लास्ट अपडेट कब करा था, आप दोबारा जब अपडेट वर्जन आता है तो वो भी आप शोरूम एंड से इंस्टॉल करवा सकते हैं। ऑल्सो ये सिस्टम सपोर्ट करता है रेडियो, USB, ऑक्स, iPod, ब्लूटूथ एंड वॉइस कमांड को,
यहाँ पे आप मोबाइल को भी कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू कनेक्ट नेक्स्ट ऐप, एंड टाटा की इमरजेंसी असिस्ट ऐप भी यहाँ पे अवेलेबल है। और यहाँ पे एक ग्रॉसरी हुक अवेलेबल है साथ में गाइस, ये है ह्यूज साइज का ग्लव बॉक्स। यहाँ पे वॉलेट होल्डर, पेन होल्डर, कार्ड होल्डर, कप होल्डर भी अवेलेबल है, लेकिन इस मॉडल में आपको एल्यूमिनेशन, कूल ग्लव बॉक्स एंड ट्रे नहीं मिलेगी। और यहाँ पे वैनिटी मिरर दिया गया है, साथ में सेंटर में कैबिन लैंप और एक सनग्लास होल्डर। कैबिन लैंप में थिएटर डिमिंग फंक्शन भी ऑफर करा गया है दोस्तों। और ये ड्राइवर साइड सन वाइजर, यहाँ पे एक टिकट होल्डर अवेलेबल है। एंड अब चलते हैं रियर सीट्स पर। ऑल्सो गाइज, नेक्सॉन में इंटेलिजेंटली डिजाइन 31 स्मार्ट स्टोरेज स्पेसेस भी अवेलेबल है। और ये है रियर डोर की लुक, डुअल टोन कलर का डोर मिलेगा विद डिफरेंट पैटर्न। और यहाँ पे चाइल्ड सेफ्टी डोर लॉक्स दिए गए हैं, साथ में स्पीकर्स अवेलेबल हैं, बॉटल होल्डर एंड मैप पॉकेट की स्पेस भी। और यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश, ट्विटर्स आपको रियर में नहीं मिलेंगे ना फ्रंट में मिलेंगे इस मॉडल में। और यहाँ पे फिक्स हेडरेस्ट अवेलेबल है रियर सीट्स पे, साथ में रियर में आपको आर्मरेस्ट नहीं मिलेगी। एंड फ्रंट सीट्स के बैक पे पॉकेट भी अवेलेबल नहीं है। एंड गाइज, XM मॉडल में यहाँ पे रियर एसी वेंट्स ऑफर नहीं करे जा रहे, आपको नेक्स्ट वेरिएंट में मिल जाते हैं। और ये है फ्रंट डैशबोर्ड की लुक, और यहाँ पे भी एक स्मार्टली डिजाइन स्टोरेज एरिया, एंड इसको भी अब क्लोज कर देते हैं। और यहाँ पे ग्रॉसरी हुक मिलेगा इसी के साथ, ये है ग्रैब हैंडल विद कोट हुक, और यहाँ पे भी ग्रैब हैंडल विद कोट हुक और इसी के साथ एक ग्रॉसरी हुक। तो दोस्तों कैसे लगा आपको XM मॉडल, काफ़ी वैल्यू फॉर मनी मॉडल है ये। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मेक श्योर आप टीम कार्डिलाइट को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। थैंक यू।